फिल्म जगत की मशहूर अदाकारा और भागलपुर के निवर्तमान विधायक अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा भागलपुर पहुंची, जो चुनाव में पिता के लिए रोड शो करेगी और पिता के पक्ष में मतदान करने को लेकर शहरवासियों से अपील भी करेगी। नेहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पिता द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और छूटे कार्यों और विकास के लिए एक बार फिर से पिताजी शर्मा को मौका देने की बात कही। इस दौरान नेहा ने और क्या क्या कहा, वो खबरें आप तक लाइव के जरिए आप तक। पहले तो सबको गुड इवनिंग। हमेशा खुश होती हूँ भागलपुर आके, बिकॉज दिस इज़ माय होम टाउन। यहीं से मैं पली बड़ी हूँ, तो एक अलग सा अटैचमेंट होता है फ्रॉम योर होम ग्राउंड, तो हर बार खुशी होती है। एंड ऑफ कोर्स बिजली और पानी की जो तकलीफ़ें थी, मुझे लगता है वो बहुत हद तक बेटर हो गई हैं। एंड जैसा कि सब कहते हैं कि चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है, बट आई थिंक सब कुछ इज़ गोइंग वेरी वेल, इट्स ऑल अपवर्ड। बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है एंड बहुत खुश हूँ इम्प्रूवमेंट देख के, और यही उम्मीद है कि इस बार भी बहुत कुछ विकास की तरफ हो भागलपुर में, एंड इट विल बिकम अनदर ब्यूटिफुल प्लेस दैट सब लोग एक्साइटेड हो यहाँ आने के लिए। बार बार जो चीज़ें, कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेरे दिमाग में, आई थिंक सबके दिमाग में वही है। अभी आजकल विद कोविड मेडिकल इज़ समथिंग जो सबको बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है, एंड आई थिंक होना भी चाहिए। तो आई थिंक मेडिकल फैसिलिटीज़ पे काम होना चाहिए और शिक्षा, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द गर्ल चाइल्ड बट फॉर एवरीबडी। मुझे लगता है कि अगर आपके शहर में एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए तो फिर शहर का विकास तो होना ही होना है। सो आई थिंक मेरे लिए द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर होनी चाहिए, ताकि व्हेन यू आर लिविंग इन अ प्लेस लाइक भागलपुर यू डोंट फील लाइक यू नो देयर इजंट एनफ। मुझे लगता है कि चीज़ों में थोड़ा वक्त लग जाता है, शायद देव ऑल बिन ट्राइंग टू डू इट, लेकिन वक्त लगा है। बट आई एम श्योर इस बार जब ज़्यादा जोश से सब ये करेंगे तो ऑफ कोर्स वो हो ही जाएगा आई फील। कल रोड शो को लेके एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हर बार जब भी मैं यहाँ आई हूँ लोगों से बहुत सारा प्यार मिलता है और बहुत सारी इनकरेजमेंट मिलती है, बहुत खुश होते हैं लोग मुझे देख के और मैं उनको देख के। तो एक्साइटेड हूँ कल के लिए, एक्साइटेड हूँ इलेक्शंस के लिए, एक्साइटेड हूँ रिजल्ट्स के लिए, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शहर के विकास के लिए। नहीं, राजनीति में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि भागलपुर का विकास इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली लुक आउट फॉर, क्योंकि मैं भी यहाँ से हूँ, एंड आई फील एजुकेशन वॉज समथिंग दैट आई ऑलवेज फेल्ट कि बेटर हो सकता है, जबकि यहाँ पे सब लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, बट आई फील एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऑफकोर्स जॉब्स, बिकॉज आई फील अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इन चीज़ों को आई फील अगर हम एड्रेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यही कहना चाहूँगी भागलपुर की जनता को कि आप लोगों से हमेशा प्यार मिला है, खूब सारा स्नेह मिला है, यही उम्मीद करती हूँ कि हमेशा मिलता रहे, और मैं शहर के लिए जितना कर सकूँ करूँ। हम कल रोड शो कर रहे हैं क्योंकि हम सब यहाँ, मैं स्पेशली अपने पिताजी को सपोर्ट करने आई हूँ, क्योंकि जब भी मुझे लगता है आई एम श्योर ही इज़ सेल्फ सफिशिएंट, इन्होंने बहुत सारा काम किया है और हमेशा शहर के विकास के लिए काम किया है, अपने लिए सेल्फिशली कुछ भी नहीं किया है। सो आई जस्ट होप कि मेरी तरह भागलपुर की जनता भी ये देख सके एंड support him, support someone who can make your place a better place to live in. मैं ऐसा किसी के बारे में इन पर्टिकुलरली नहीं कहना चाहूँगी, बस यही उम्मीद है कि इस बार जो सरकार बने वो पब्लिक का ध्यान दे और विकास की तरफ अग्रसर होकर काम करें।